सो गाइस एंड सबसे पहले तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए लाइक करो वीडियो को, ये करो वो करो, कुछ नहीं कहने वाला मैं। वीडियो एंड पसंद आता है सपोर्ट करना या फिर इग्नोर करना एज योर विश, ठीक है। सबसे पहले गाइस इस वीडियो में ये होने वाला है, जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर पता लगा चुके होंगे कि इस वीडियो में गाइस बिगिनर्स के लिए, स्पेशली बिगिनर्स के लिए वीकेंड्स में जो है, इस वीकेंड्स में मैं जो वीडियो चलाऊंगा शेड्यूल वाइज चलाऊंगा कि आप मंडे से लेकर लास्ट सैटरडे तक कि कौन सी आपको एक्सरसाइज फॉलो करनी है एज अ बिगिनर। जो बंदे जो है नींद ज्वाइनिंग करते हैं जिम में और उन्हें पता नहीं होता कि हम स्टार्टिंग में क्या रखते हैं, तो सबसे पहले तो गाइस आपको देखो 10-15 days तक आपको जो है अपनी मिक्स वर्कआउट करनी है, अपनी बॉडी के पूरे भाई जिम के लायक अपनी बॉडी पूरी बनानी है ताकि आपको हैबिट हो जाए। अगर आप स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन कर रहे हो और फटाफट आप अपनी एक्सरसाइजेस ट्रेन करने लग जाते हो, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, बड़े बड़े एक्सरसाइजेस डंबल लगाने लग जा रहे हो, तो भाई जिम ही आपको छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। आप पहले ही लगा लो ना तो भाई मसल आपका इतने ही पहले दिन आपका पेन करेंगे। जो लोग कई लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो बता होगा कि जो लोग बंदे न्यू जिम ज्वाइन करते हैं ना, क्या करते हैं वो पहले दिन जाकर डंबल ये रैप मारेंगे भाई, और जाकर के अगले दिन जो है बिल्कुल एक मरीज की तरह जाके बेड पे सो जाएंगे और कहेंगे भाई, फैलाएंगे भाई ये जिम में गंदगी फैलाएंगे कि भाई मैं तो जिम साला जा रहा था और मेरा ये पेन होने लग गया, वो पेन होने लग गया। तो भाई कहते हैं ना नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज थोड़ा बहुत आप लोग जो है ले लिया करो। जो ऐसे लोग होते हैं ना कि जिम जाने से ये होता है एक्सेट्रा, जिम को प्रमोट किया करो भाई, ठीक है। अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया, गुटखा पान जैसे मसाले खाते हो वो सब चीज़ को थोड़ा हटा करके और जिम को प्रमोट किया करो हेल्थ वाली चीज़ों को, ठीक है। तो देखो बिगिनर्स के लिए यही होने वाला है कि आज है मंडे, मैं मंडे को शूट कर रहा हूँ, मे बी हो जाए कि वीडियो एडिटिंग आने में थोड़ी लेट लग जाए, बट मैं आपको बताऊंगा 10-15 days आपको जो है एक्सरसाइजेस जो है नहीं करने हैं, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मिक्स वर्कआउट करना है, सारे वर्कआउट करने हैं जिम के लाइक आपको जो बॉडी अपनी बना लेनी है। फिर उसके बाद अपना आप मंडे से स्टार्टअप करना 10-15 days के बाद चेस्ट का, और जिसमें कि इंक्लूड रहेगा लाइट ट्राइसेप। मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो 40 मिनट तक आप जो है चेस्ट की लगाओ एक्सरसाइजेस, अपने जिम ट्रेनर से पूछ लो क्या क्या हमें एक्सरसाइजेस करनी है चेस्ट के लिए, वो करने के बाद आप 15-20 मिनट मतलब टोटली 60 मिनट पूरा हो जाए आप जो है ट्राइसेप लगा लेना, ठीक है। तो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलेंगे अपने तरफ वीडियो की तरफ। और गाइस वीडियो बढ़ाने से पहले सप्लीमेंट के लिए कई लोग पूछते ना भाई दीपक भाई कौन सा हम वे प्रोटीन ले, एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमें ऐसा नहीं मिल रहा, हमें भाई इतना हम प्रोटीन हम खा लिए हैं लेकिन हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, इतने सारे मैंने पैसे बर्बाद कर दिए। तो भाई याद रखना एज इट इज न्यूट्रिशन का ये एटम एंजाइम ब्लेंड वे प्रोटीन एक बजटली वे प्रोटीन है, कंसंट्रेट बेस्ड प्रोटीन है, जिसको कि कटिंग के लिए जो इसको यूज कर सकते हैं और बिल्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये कंसंट्रेट बेस्ड एंजाइम ब्लेंड वे प्रोटीन है, ठीक है। चलो इसको डिटेल में सबसे पहले हम इसको समझते हैं, चलो इसको फटाफट अनबॉक्सिंग सबसे पहले करते हैं। ऐसा कि ये बबल पैक में पूरे तरह से पैक आता है, जिससे आपको फ्रॉड भी सबसे पहले सप्लीमेंट में नहीं मिलता है। कई लोग सप्लीमेंट मंगाते हैं महंगे महंगे सप्लीमेंट फ्रॉड मिल जाते हैं, भाई इतने पैसे लगा रहे हो जब दिमाग ही ना हो तो उसका सही इस्तेमाल करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बेसिक नॉलेज बताऊं तो आपका मसल को रिकवर करने के लिए काफ़ी मदद करता है, आप चाहे फैट लूज कर रहे हो या फिर मसल बिल्डिंग कर रहे हो उसमें काफ़ी मदद आपका करता है। और भाई सप्लीमेंट देखो मेन चीज़ होता है ना सप्लीमेंट भाई ओरिजिनल होना चाहिए और सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो कि ये कंपनी जो सेटिस्फाइड करती है ये आपकी हैवी मेटल टेस्टेड है, डोप फ्री है, ऑल्सो गाइस आपका GMP सेटिस्फाइड है। ये सारी उन प्रॉब्लम्स गाइस आपको जो है दूर करेगा, जैसे कि आप जिम वगैरह कर रहे हो ना तो काफ़ी टाइम क्या होता है आपका मसल जो है पेन करने लगता है, स्ट्रेंथ लेवल डाउन जाता है, तो उसको भी ये रिकवर करने में हेल्प करने में काफ़ी जो है मदद करता है। गाइस एक फैक्ट की बात बताऊँ, इंडिया में मोस्ट पॉपुलर जो सबसे ब्रांड है ना, इंडिया का मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा सेल किए जाने वाला ब्रांड वो है एज इट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन फैक्ट्स अभी जान लेते हैं गाइस। इसके पर स्कूप में आपको 27 ग्राम वे प्रोटीन, 12.2 ग्राम असेंशियल अमीनो एसिड, प्लस 5.7 ग्राम BCAA एंड ऑल्सो गाइस में 4.5 ग्राम एल ग्लूटामाइन भी है। तो चलो ऑल राइट ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको गाइस, अगर आपको खरीदना है बेस्ट वे प्रोटीन है मेरे साइड से, मैं इसको काफी टाइम से ले रहा हूँ और रिजल्ट आता है जो है देखते आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके गाइस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और प्लस मेरा ये रहा कूपन कोड DeepakM5 एज इट इज, इस कूपन कोड को अगर आप वेबसाइट पे यूज करते हो तो आपको मिल जाता है कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जैसे आप अपना मंडे स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले वर्कआउट करने से पहले पर डे पर शेड्यूल वाइज चेस्ट बैक एक्सेट्रा जो भी आप एक्सरसाइज लगा रहे हो, एक्सरसाइज करने से पहले आपको 10 या 15 मिनट आपको जो है वार्म कर लेना है। वार्म करने के लिए कई सारे एक्सरसाइज है, जैसे कि ये भाई पूरा नहीं कर रहा हूं मैं आपको, बस दिखा रहा हूं एक्सरसाइज पे हम आएंगे, ठीक है। नहीं ये ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा पुशअप लगा लिया आपने एक्सरसाइज के तौर पर, वो बस हो गया फिनिश। और उसके बाद आपको आना है अपने एक्सरसाइज पे, तो चलो एक्सरसाइज पे आते हैं सबसे पहले हम। तो भाई जैसा कि मैंने जो है अब यहाँ पे फ्लैट बेंच प्रेस लिया, पहला एक्सरसाइज आपका ये है पुशअप्स के बाद, आफ्टर पुशअप आपका ये फ्लैट बेंच प्रेस है। और मैंने हैवी वेट लेनी है मेरे मन जाओ, हैवी वेट मैंने लिया, लाइट वेट लिया जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपको भी जो है लाइट वेट का इस्तेमाल करना है अगर आप जो है बिगिनर स्टार्टअप जो है जिम ज्वाइनिंग की हो, ठीक है। नॉर्मल आप इस कंडीशन में जो है आ जाना है, ठीक है, दैट्स इट। आपको अगर जरूरत पड़े तो किसी आपको जो है ट्रेनर की या फिर एक भाई हो मतलब कोई भी दोस्त है उसको आप हेल्प लेना, जस्ट ये आपको नॉर्मल रखनी है बिल्कुल भाई, स्क्वीज करना आराम से डाउन
अप, सांसें अंदर रहेंगी, ठीक है, कि आप जो है आपको गाइस रैप की बात बता दूं तो आपको रैप्स एटलीस्ट जो है लाइट वेट में आप कर रहे हो तो 15 to 16, 12, 10 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना लगाना, ठीक है। और सेट की बात करें तो सेट आप जो है इसके टोटल ऑफ सेट आपको 3 लगाने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। तो गाइज अभी हम देखो एक लाइन जो है बेंच प्रेस पे आए हुए हैं, जो वेट गाइज जो लगा के जिम वालों ने छोड़ दिया ना उसी पे आपको एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूँ मैं, अपना वेट मतलब निकाल नहीं रहा, बढ़ा नहीं रहा, उसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। जितना आपका गैस कैपेसिटी होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, लिमिटेड होगा आप, लेकिन मैं बस आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मत लगाना आप बिगिनर तो, वरना भैया हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, इतना याद रखना, ठीक है। चलो ये दूसरी एक्सरसाइज है जो कि इंक्लाइन बेंच प्रेस है, दैट्स इट, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ठीक है। ज़्यादा मैं रैप वगैरह निकाल नहीं रहा क्योंकि वीडियो जल्दी से जल्दी जो है एंड हो जाए, आप छोटी वीडियो देखना पसंद करते हो ऑलरेडी आई नो, ठीक है। चलो थोड़ा एक्सरसाइज प्यार, तो चलो गाइस अभी ये आपका फ्लैट के बाद एक लाइन और ये अभी जो है डिक्लाइन है, और इसमें भी मैं जो वेट लगा था वही ऑलरेडी मैं वही लगा रहा हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से बात अपनी बार बार बोलते आ रहा हूँ पागलों की तरह, अपना कैपेसिटी के हिसाब से आप वेट रख लेना, दैट्स इट, 1, 2, सांस अंदर लेनी है, उपला छोड़ता है, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, दैट्स इट। चलो टोटल ऑफ गाइस आपको मैं 5 एक्सरसाइज ही करके दिखाऊंगा, देन उसके बाद जो है आप 5 एक्सरसाइज जो है ना सेट के हिसाब से एक्सरसाइजेज लगा रहे हो, रैप अच्छे खासे निकाल रहे हो, और जो टाइमिंग हिसाब से टाइमिंग पर एक्सरसाइज पे आप दे रहे हो तो ऑलरेडी आपको 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए। अभी तो आपको 2 मिनट में 3 मिनट में मैं दिखा दिया, बट उस पर मत जाना भाई, जब आप प्रॉपर सेट निकालोगे, प्रॉपर रैप निकालोगे ना तो ऑलरेडी जो है आपके टाइम पूरे हो जाएंगे 40 से 50 मिनट, देन उसके बाद 10 मिनट आपको जो है ट्राइसेप करना है। 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, 2 एक्सरसाइज आपको मैं और बताऊंगा, चलो आओ। लो भाई अभी आ गए अपने थर्ड एक्सरसाइज पे, सॉरी फोर्थ एक्सरसाइज पे भाई, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, अभी ये फोर्थ एक्सरसाइज है, ये आपका गाइस ये आपका एक्सरसाइज फोर्थ एक्सरसाइज, इक्लाइन डंबल फ्लाई, 1, 2। भाई कोशिश करूंगा कि जो माइक मेरे कॉलर में लगे ना पूरे जो टूटने की हड्डी जैसे भाई टूटने की आवाज़ है वो कैप्चर हो रहे हों भाई, इंटरनल में पूरे जैसा लगे ना भाई ये हड्डी टूट रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन भाई ये रियल वर्कआउट की जो है पहचान होती है, ठीक है। 1, 2, 1, 2, 1, चलो लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हम, फिफ्थ एक्सरसाइज पे। तो चलो गाइस ये लास्ट हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है, और इसमें गाइस हो सके तो अपने आप ट्रेनर को साथ में ले लेना या फिर अपने फ्रेंड को अपने साथ में ले लेना। गाइस आपको पोस्चर आपको कुछ इस तरीके से बॉडी रखनी है, ये डॉग वाला ये नहीं रखना है, ठीक है, ये एकदम पूरा नहीं रखना है, एकदम स्ट्रक्चर भाई थोड़े रोबोट की तरह बन जाना, ठीक है। ये अप चेस्ट रहेगी, देन हाथ का मूवमेंट क्या देख लो, ऐसे ही बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसे ही मत करना, ठीक है, फ्लाई मत करना बटरफ्लाई की तरह, ये रहेगा, ठीक है, एक रोबोट की तरह, ये दैट्स इट। एक फ्रेंड के सपोर्ट ले सकते हो यहाँ पे फ्रंट में हाथ पे जो मैंने क्लिप पकड़ी है, ठीक है। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
एडवांस लोग भाई एडवांस होते हैं, ठीक है, जो लोग बिगनर है ना, स्टार्टिंग में आप लोग जो है बस ये ध्यान देना कि एक्सरसाइजेज आपको भाई एकदम जोरों शोरों से एकदम स्पीड में नहीं करना है, आराम से रिलैक्स माइंड भाई मसल को फील करो, बाइसेप लगा रहे हो बाइसेप की फील करो, बैक लगा रहे हो बाइसेप बैक को फील करो, चेस्ट लगा रहे हो भाई चेस्ट को एकदम आराम से भाई शांति से एकदम भाई हैवी वेट लेने की ये करने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से बिगनर के लिए बता रहा हूँ भाई, एडवांस लोग के लिए बता रहा हूँ, एडवांस को कंपेयर मत करना जा करके भाई वो इतना डंबल उठा रहा है ऐसे उठा रहा हो तो मैं भी जाकर उठा लूंगा, ऐसे गलती मत करना, इंजरी ले लोगे लाइफ टाइम घर पे बैठे रह जाओगे, जिम का सपना टूट जाएगा, गलती मत करना, ठीक है, एक्सरसाइज को फील करो आराम से लगाओ। चलो चेस्ट की वर्कआउट कंप्लीट, अभी हम आते हैं अपनी ट्राइसेप की एक्सरसाइज, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 2 से 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप करके दिखाऊंगा। चलो भाई पहले हमारा ट्राइसेप एक्सरसाइज, आपको डंबल लाइट वेट में ज्यादा हैवी वेट नहीं लेना, लाइट वेट में लेना, देन सेट 1 2 1 2 1 2 1
टू वन टू सेम एज अ सेकेंड हैंड में, ठीक है, वन टू वन टू वन टू। अभी दोनों हाथ से लेकर के बस आपको वेट बढ़ा देना है, देन वन टू वन टू वन टू वन टू, दैट्स इट। ये सेकेंड एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज ट्राइसेप की एक्सरसाइज खत्म। थर्ड एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो आ जाओ। लो गाइज ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज, ये गाइज इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा मजा आता है भाई, ठीक है। जो पेन होता है ना ये वो पेन नहीं होता, मजा आता है इस पेन में, पता नहीं क्यों, आप लोग का बात अलग है, ठीक है। ये बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए, यू नहीं करना भाई, यू बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ये रहेगा रोबो जैसा, चेस्ट अप रहेगा, चेस्ट डाउन नहीं, चेस्ट अप, दैट्स इट। ये एल्बोज आपके बिल्कुल पेट के पास रहेंगे, वन टू वन, लाइट वेट रखना गाइज, आपको हैवी वेट भाई बिल्कुल मत रखना, ठीक है। वन टू वन टू वन टू वन टू, भाई मिरर में देख रहना, जैसे मैं स्वाइप कर रहा हूँ ना ये चीज़, तो आपको मिरर में देखना है भाई, माइंड थोड़ा सा मोटिवेट होता है। तो ऑल गाइस ये रही थी हमारी वीडियो, और चेस्ट की वर्कआउट आपको सेम जो चीज़ मैंने आपको किया, जो मैंने आपको करके बताया, जो चीज़ मैंने फॉलो करने के बोला, आपको सेम यही सब चीज़ें करनी है। बस वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, वीडियो अब यहीं पर जो हम एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आई हो तो भैया राम राम, ठीक है। तो चलो गाइज अब मिलते हैं बैक वर्कआउट के डे, ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय।